दोस्तों आपने ये गाना तो सुना ही होगा, मुझे लगता है कि न जाने कितने ही लोगों का ही फेवरेट सॉन्ग होगा। कुछ और नहीं है, जाम है ये। फिल्म काजल में 1965 में लिया गया था। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि, जो कि साउथ में बॉम्बे रवि के नाम से मशहूर थे, और इस गीत को लिखा था साहिल लुधियानवी साहब ने। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन। और इस गाने में पर्दे पे थे संवाद अदायगी के किंग राजकुमार साहब। पीता हूं इसलिए कि मिट जाऊं। और उनका साथ दे रही थी ट्रेजडी क्वीन मीना कुमारी जी। आपको ऐसा कौन सा दुख है, मुझसे कहिए ना, मैं उसे अपने सीने में छुपा दूंगी। दोस्तों वैसे तो रफी साहब ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन इस गाने को गाते वक्त कुछ ऐसे अंदाज में गाया कि ये गाना पूरी तरह नशीला बन गया। अच्छों को बुरा साबित करना। दोस्तों क्या आपको पता है कि ये गाना अधूरा है? जी हाँ, ये गाना अधूरा इसलिए है क्योंकि इस गाने को साहिल लुधियानवी साहब ने अधूरा ही लिखा था। उन्हें पूरे देश में ढूंढा गया पर वो कहीं नहीं मिले। तो कैसे बना ये पूरा गाना, कैसे हुई इसकी रिकॉर्डिंग, जानेंगे पूरा किस्सा, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। जिस तरह मिली है दो रूहें, उस तरह से लब मिल जाएं। दोस्तों काजल फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे राम महेश्वरी और इसके कहानीकार थे गुलशन नंदा। गुलशन नंदा हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े उपन्यासकार थे और उन्हीं के एक प्रसिद्ध उपन्यास माधवी पर आधारित थी फिल्म काजल की कहानी। बाल गोपाल से कह दूं कि उनकी माधवी अपने नए संसार में बहुत खुश है। इस फिल्म के बेहतरीन डायलॉग लिखे थे फणी मजुमदार साहब और केदार शर्मा ने। इंसान बेमुरव्वत होता है, भगवान को बेमुरव्वत होना शोभा नहीं देता भगवान। निर्माता निर्देशक राम महेश्वरी जब फिल्म के गीत और संगीत को लेकर संगीतकार रवि से मिले तो उन्होंने सिचुएशन को समझाया और उस वक्त वहां पे साहिल लुधियानवी साहब भी बैठे हुए थे। रवि साहब ने साहिल लुधियानवी साहब को कहा कि दो लाइन का शेर इस सिचुएशन के लिए आप बना दो। फिर क्या था, साहिल साहब ने अगले दिन दो लाइन का शेर लिखकर रवि साहब को दे दिया और ये शेर था, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये। जब संगीतकार रवि ने इस शेर को ट्यून करके राम महेश्वरी जी को सुनाया तो उन्हें ये ट्यून बहुत पसंद आया। लेकिन वो थोड़ा टेंशन में आ गए। उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन तो राजकुमार साहब पे फिल्माया जाना है और उनके चेहरे पे ये गाना सूट नहीं करेगा। तब रवि साहब ने कहा कि गाना प्यारा है, अगर गाना अच्छा है तो कोई भी गाए, क्या फर्क पड़ता है। बेताब धड़कते सीनों का। तो दोस्तों अब तक जो दो लाइन का शेर तरन्नुम में था अब वो एक गीत का शक्ल लेने लगा था। दोस्तों जब ये गाना रफी साहब स्टूडियो में गा रहे थे तब निर्माता निर्देशक राम महेश्वरी जी भी वहीं थे और उनके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स भी थे जिन्हें ये गाना बहुत पसंद आया। उनके दोस्तों ने कहा कि जब ये गाना इतना प्यारा है तो सिर्फ दो शेर ही क्यों, इससे कुछ और शेर भी जोड़े जा सकते हैं। राम महेश्वरी जी को ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने संगीतकार रवि से कहा कि इसमें अगर एक दो शेर और जोड़ा जाए तो सही रहेगा। तब रवि साहब ने इसके आगे के शेर को लिखने के लिए साहिल लुधियानवी साहब से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं था। उन्हें पूरे मुंबई में ढूंढा गया, यहाँ तक कि भारत के अलग अलग जगहों पे भी ढूंढा गया लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। साहिर साहब तो खुद ही मौनमौजी थे और इस तरह से थक हार कर रामेश्वरी जी ने इस आधे अधूरे गाने को फिल्म में रखने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों रफी साहब ने इस अधूरे गाने को कंप्लीट करने का एक तोड़ निकाला। उन्होंने कहा कि हमारा हीरो नशे में है तो ये भी तो हो सकता है कि हीरो गाते गाते नशे की हालत में बेसुध हो जाए। राम महेश्वरी जी को ये तरकीब बहुत अच्छी लगी। उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान
इस सिचुएशन को, इस गाने को बिल्कुल ऐसे ही शूट कराया। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, जब इस गाने को हम देखेंगे तो हमें कहीं महसूस नहीं होगा कि इस गाने को अधूरा गाया गया है। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा। गाने में राजकुमार साहब मीना कुमारी जी को शराब पीने के लिए मजबूर करते हैं और नशे की हालत में वो गाना गाते गाते बेसुध होकर गिर जाते हैं। झूले ने जो नाजुक दोस्तों, नशे की हालत में धुत होकर राजकुमार साहब का इस गाने में गिर जाना लॉजिकली सही लगता है। तो इस तरह से रफी साहब का ये कमाल का आइडिया काम कर गया और ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ। दोस्तों अगर कोई दूसरा निर्माता निर्देशक होता तब खुद सोच कर देखिए, शायद वो अपनी फिल्म में इस अधूरे गाने को रखता। लेकिन रफी साहब सिर्फ गाना ही नहीं गाते थे दोस्तों, कमाल के आइडियाज भी लाते थे और उन्हीं के आइडिया की वजह से ये गाना इतना हिट हुआ और इस फिल्म में शामिल किया गया। तो दोस्तों ये था इस गाने से जुड़ा हुआ रोचक किस्सा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। नमस्कार। जब इस संगीतकार ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर हिंदी सिनेमा में कदम रखा तब एक समय ऐसा आया जब स्वर कोकिला लता जी ने इन्हें ऑलमोस्ट इग्नोर किया, ये समझते हुए कि एक रईस शहजादे हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का ढोंग कर रहे हैं, इन्हें म्यूजिक नहीं आता। लेकिन समय के साथ साथ लता जी की ये राय बिल्कुल बदल गई।